प्रिय शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं इसकी महत्ता और इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करूंगा और आप जो ये पाठ्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं उनके कुछ पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि हिंदी देश की सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। यह संपर्क भाषा है, कामकाजी भाषा है। शिक्षार्थियों, इस भाषा का जो इतिहास है वह लगभग 1000 ईस्वी से शुरू होता है और एक लंबे अंतराल में इसमें अनेक रचनाओं की सृष्टि की गई और इसकी वैज्ञानिकता भी सर्वमान्य रही। अगर हम भाषा और साहित्य का अवलोकन करें तो हमें आश्चर्य होगा कि इसका एक व्यापक भंडार है। इसीलिए हिंदी विषय का अध्ययन करना अनेक रूपों में महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वीं कक्षा तक आपने भाषा का जो आधारभूत ज्ञान है वह प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषा के जो विविध प्रयोग हैं उसका गहन अध्ययन करना आवश्यक है। और यह जो पाठ्यक्रम है वह आपके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, क्योंकि इस पाठ्यक्रम में साहित्य और भाषा का समन्वय किया गया है, जिसे आप एक ओर दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग कर पाएंगे, आजीविका के लिए भाषा का जो व्यावहारिक ज्ञान है उसे प्राप्त कर पाएंगे, इसके साथ ही साथ उच्चतर अध्ययन के लिए भाषा को अपना विषय बना सकते हैं। इस पाठ्यक्रम को अगर आप पूरा करते हैं तो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी? सबसे पहले तो हिंदी भाषा के स्वरूप का आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौखिक भाषा का सही प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा पठित या अपठित कोई उक्ति है उसकी तर्क सहित व्याख्या कर पाएंगे। निर्धारित रचनाएं हैं उसके कथ्य और शिल्प का आप उद्घाटन कर पाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी भी दे सकेंगे। साथ ही जो एक प्रयोजनमूलक भाषा है उसका भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और संचार और प्रौद्योगिकी अथवा विज्ञान के क्षेत्र में जो शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है उनका भी आप उल्लेख कर सकेंगे। अगर आप हिंदी विषय को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो विद्यालयी शिक्षण में जा सकते हैं, महाविद्यालयी शिक्षण में जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक हो गया है, उसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। साथ ही अनुवाद के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का जो आज जमाना है उसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग जो है केंद्रिक है वह 85 अंकों का है, जिसमें भाषा के जो 4 कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका विकास किया जाएगा। दूसरा वैकल्पिक है जिसमें आप सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे अथवा विज्ञान की भाषा के बारे में जानेंगे। केंद्रिक में एक महत्वपूर्ण पक्ष है कविता पठन का। आप जानते हैं कि हम सभी कविता पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं और हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो विभिन्न कालखंडों के कवियों को इस पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मीराबाई, रहीम दास, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध, निराला, महादेवी, इस तरह से बहुत सारे जो रचनाकार हैं उनकी कृतियों को यहाँ शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि उनकी रचनाओं में क्या काव्य सौंदर्य है, रस के बारे में जानेंगे, छंद के बारे में जानेंगे, इसके अलावा अलंकार, प्रतीक विधान, इन सब के बारे में उसमें संक्षेप में चर्चा होगी। इसके बाद गद्य का पठन है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और हमने गद्य की विभिन्न विधाओं को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसमें प्रतिनिधि रचनाकार हैं, वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उसके अलावा मनु भंडारी की कहानी भी आप इसमें पढ़ेंगे, और व्यंग्य रचनाएं भी ली गई हैं, हरिशंकर परसाई की संपादकीय भी आपको देखने को मिलेगा, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, विभिन्न विधाओं का एक साम्राज्य है, वह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। शिक्षार्थियों, कविता और गद्य के अलावा एक महत्वपूर्ण बात बताऊँगा इस पाठ्यक्रम में कि प्रयोजन मूलक भाषा के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है और उसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं, तो यहाँ हमने प्रयोजन मूलक भाषा भी सिखाने की कोशिश की है। उसके अलावा आपकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो, इसलिए हमने सार लेखन, भाव पल्लवन, निबंध लेखन, इनका भी विधान किया है, और प्रयोजन मूलक भाषा के अंतर्गत पत्र लेखन, तालिका आरेख, कार्यालय ज्ञापन, प्रतिवेदन, इन सब का परिचय आपको यहाँ मिलेगा। हमने पाठों के भीतर ही भाषा का व्यावहारिक रूप, व्याकरण का व्यावहारिक रूप आपको सिखाया है, और आप वाक्य संरचना, लोकोक्ति मुहावरे, क्रिया पदबंध, इन सब के बारे में पाठों के भीतर ही देखेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट बनाना, परियोजना लेखन, उसको भी हमने यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वैकल्पिक हिंदी में हमने दो भाग लिए हैं जिनमें से आपको एक का चुनाव करना है। पहला भाग है सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, और दूसरा है विज्ञान की भाषा हिंदी। परीक्षा की दृष्टि से मैं संक्षेप में बता दूं कि अंकों का जो विभाजन किया गया है उसमें केंद्रीय हिंदी 85 अंक और वैकल्पिक हिंदी 15 अंक, उपन्यास एक आपको दिया गया है विराटा की पद्मिनी, वह 8 अंक का आएगा, और लेखन कौशल है उसमें आपको अभिव्यक्ति परक लेखन के लिए 12 अंक, प्रयोजन मूलक के लिए 14 अंक, सृजनात्मक लेखन के लिए 2 अंक दिया गया है, और व्याकरण 10 अंक के दिए जाएंगे। 100 अंक का पत्र होगा आपका, और जो स्व अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है उसमें पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा, नमूना प्रश्न पत्र भी दिया गया है, और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हमारा अध्ययन का तरीका है वह मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का तरीका है, और इस प्रणाली में आपकी जो स्व अध्ययन सामग्री है उसमें शिक्षक निहित होता है, अर्थात आपको अलग से शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती है, और आप देखेंगे कि विषय का पूरा विस्तार किया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अध्ययन सामग्री को विधिवत पढ़ें, उसमें जो पाठगत प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का कोशिश करें, क्रियाकलापों को करें, और अंत में जो पाठांत प्रश्न दिए गए हैं उनको भी करके देखें, और मैं समझता हूँ कि यह पाठ्यक्रम आप लोगों को बहुत रुचिकर लगेगा। आप पूरी रुचि के साथ हिंदी पाठ्यक्रम को पढ़ें और साहित्य का पूरा विस्तृत परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की कोशिश करें, अभिव्यक्ति सामर्थ्य को बढ़ाएं और भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।